हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऐप टू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने प्ले स्टोर में अपने आईडी को चेंज करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि प्ले स्टोर में अपने आईडी को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अमरजीत। इसे देखने के लिए चलते अपने फोन पे। सो हेलो फ्रेंड, यहाँ पे हम अपने फोन पे है और हमें यहाँ पे प्ले स्टोर की आईडी को चेंज करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि प्ले स्टोर की आईडी को हम कैसे बदल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान तरीका है। तो सबसे पहले तो आप सभी को सिंपली अपने फोन में प्ले स्टोर पे क्लिक करना है। प्ले स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप सभी को सिंपली यहाँ पे करना है क्या है, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड में एक ऑप्शन दिया गया है जीमेल का आइकॉन। तो आप सभी को सिंपली आइकॉन पे क्लिक करना है। आइकॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा आईडी लॉगिन है, बट हमें यहाँ पे अपने आईडी को चेंज करना है। देन यहाँ पे आपको अपने आईडी पे क्लिक करना है। आईडी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पे और भी आईडी को यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है तो नीचे में इसी तरह से यहाँ पे सजेशन में यहाँ पे आपका आईडी आ जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करके भी दूसरी आईडी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने पहले से ही यहाँ पे अपने आईडी को ऐड किया हुआ है। तो चलिए हम इस आईडी पे क्लिक करते हैं। इस आईडी पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा आईडी चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी अपने प्ले स्टोर में अपने आईडी को चेंज कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।